हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। इससे पहले सी आर इक्वेशन के हम कुछ एग्जांपल पढ़ चुके थे। सी आर एग्जाम और कार्टेशियन फॉर्म में जो सी आर इक्वेशन होती है उसको हम पढ़ चुके हैं और उसको हम प्रूफ कैसे उस कार्टेशियन फॉर्म में आई थी इस तरह को उसको हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उसको पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में सी आर इक्वेशन जो होती है वो होती है हमारे पास डेल यू अपॉन डेल आर इन एफ, जो जेड होता है फंक्शन जेड होता है, यू प्लस आयोटा वी वाली टर्म होता है, यू रियल पार्ट होता है और वी जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। तो उस कंडीशन में हमारा पोलर फॉर्म जो होता है डेल यू अपॉन डेल आर बराबर वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर, जहाँ पे यू और वी जो फंक्शन होते हैं एक्स और वाई के होते हैं, एक्स और वाई, और एक्स बराबर क्या होता है आर कॉस थीटा और वाई बराबर सॉरी एक्स बराबर आर साइन थीटा, वाई बराबर आर कॉस थीटा, एक्स बराबर आर कॉस थीटा होता है, एक्स बराबर आर कॉस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा। तो यहाँ से हमें ये जो पोलर फॉर्म है इसको हम शो करेंगे कि ये किस तरह से आई है वहाँ से। तो वी नो दैट एक्स बराबर आर कॉस थीटा एंड यू वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स बराबर आर कॉस थीटा होता है और वाई जो यू जो फंक्शन होता है एक्स एंड वाई का होता है, वाई बराबर आर साइन थीटा होता है। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से हमें इसको लिखेंगे तो आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, तो आर कॉमन लेके हमने इसको लिखा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये जो टर्म है हमारे पास इसको हम ई की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। तो एफ यू प्लस आयोटा भी बराबर एफ जेड, और जेड जेड की जगह क्या गया हमारे पास जेड की बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो एफ जो फंक्शन हो गया आर ई की पावर आयोटा थीटा का फंक्शन हो गया हमारे पास। अब डिफ्रेंशिएटिंग वन विद रेस्पेक्ट टू आर, जब इसको हमने विद रेस्पेक्ट टू आर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये हो गया डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू एफ डैश आर ई की पावर आयोटा थीटा, एफ डैश हो गया। और जब इस अंदर वाली टर्म का हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो ई की पावर आयोटा थीटा, और उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएटिंग वन विद रेस्पेक्ट टू थीटा किया तो हमारे पास डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल थीटा एफ डैश आर ई की पावर आयोटा थीटा। और फिर अंदर वाली टर्म का किया तो हमारे पास आर एगा कॉन्स्टेंट रहेगा, ये कॉन्स्टेंट रहेगा ई की पावर आयोटा थीटा क्या किया तो ई की पावर आयोटा थीटा डॉट आयोटा थीटा होगा तो आयोटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री आ गई। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एफ डैश आर ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल आयोटा थीटा फ्रॉम टू इन थ्री, यानी ई की पावर एफ डैश आर आयोटा थीटा ये वैल्यू हमने यहाँ से वैल्यू फ्रॉम टू इन थ्री, टू से हमने यहाँ से ये वैल्यू आयोटा के अलावा बाकी वैल्यू हमने यहाँ पुट की। तो हमारे पास यह आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल थीटा बराबर आर, क्योंकि इसमें जो जो टर्म नहीं थी वो आर नहीं थी, तो आर डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल थीटा बराबर आर के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आर और साथ में आयोटा भी था फ्रेंड्स, आयोटा आर डेल यू अपॉन डेल आर माइनस आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस बना जाएगा माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर, यानी कि ये आर और आयोटा जो नहीं थे इसके अलावा हमने बाकी एफ डैश आर ई बार आयोटा थीटा डॉट ई बार आयोटा थीटा ये जो टर्म है और डॉट आयोटा थीटा ये जो टर्म है वो यहाँ से हमने पुट की है। तो ये हो गया हमारे पास आयोटा आर डेल वी अपॉन डेल थीटा प्लस आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। अब फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का हम कंपेरिजन करेंगे तो डेल वी अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस, तो यहाँ ये रियल पार्ट है यहाँ ये रियल पार्ट है, डेल वी अपॉन डेल थीटा बराबर आ गया माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। तो यहाँ से डेल वी अपॉन डेल थीटा, तो डेल वी अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। इस तरह से इमेजिनरी पार्ट का डेल वी अपॉन डेल थीटा बराबर क्या, तो डेल वी अपॉन डेल थीटा, तो ये आ गया डेल आर डेल वी अपॉन डेल आर, यानी आर को अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें यानी ये आया हमारे पास डेल वी अपॉन डेल थीटा बराबर आर डेल बी अपॉन डेल आर, या इस आर को हम इधर से मल्टीप्लाई कर दें तो वन अपॉन आर डेल बी अपॉन डेल थीटा बराबर डेल बी अपॉन डेल आर, जो कि हमारे पास ये सॉरी ये जो इक्वेशन थी डेल बी अपॉन डेल आर बराबर वन अपॉन आर डेल बी अपॉन डेल थीटा, ये हमारे पास यहाँ से आ गई। क्योंकि ये डेल यू है फ्रेंड्स, ये हमने भाई मिस्टेक कर दिया था, ये डेल यू है तो ये डेल यू, तो दोनों इक्वेशन से हमारे पास ये आ चुका है हमारे पास। तो ये हमारे पास सी आर इक्वेशन आ चुके हैं, क्योंकि जब हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन किया तो ये हमारे पास आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर कहीं क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि पोलर फॉर्म क्या होती है तो पोलर फॉर्म इस तरह से होती है और इसको हम इस तरह से जो हमने प्रूव किया था प्रूव कर सकते हैं।